पानीपत के छाजपुर गांव में एक विवाहिता को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। गांव की सरोज बाला की शादी साजपुर के अजय के साथ 6 साल पहले हुई थी। सरोज के परिजनों के मुताबिक शुरू से ही सरोज का पति और सास ससुर दहेज कम लाने का ताना मारते थे। सरोज के साथ मारपीट कर मायके से 1.5 लाख रुपए भी मंगवाए थे। मायके पक्ष का आरोप 1.5 लाख देने के बाद भी 1 लाख रुपए और सरोज से मायके से मंगवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सरोज के परिजनों के मुताबिक दहेज के लालच में ही उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। चाचा की लड़की थी मेरे सरोज, जिसको लगातार 6 साल से परेशान कर रहे थे। अभी 5-6 दिन पहले ये थोड़ा सा डर के मारे वहाँ से वापस अपने यहाँ मायके आ गई थी हमारे घर। उसके बावजूद वो अजय जो इनके पति हैं, हमारे दामाद, और इनकी माता आकेश को लेगी वहाँ जा कर के कल सवेरे 9 बजे उसको पॉइजन दे दिया और 12 बजे उसको हॉस्पिटल से ले के आए। हमारे को उन्होंने कोई सूचना न दी। एक बार सिर्फ हमारी बहन ने इस बारे में हमारे को बताया, तुरंत पहुँच जब पुलिस को सूचना मिली तो मृतक सरोज के शव को कब्जे में लेकर पुलिस सामान्य अस्पताल रखवा दिया। मामला ये पॉइजन का है। ये इन्होंने लड़की के भाई ने कंप्लेंट दी है, भाई मेरी सिस्टर छाजपुर गांव में ब्याही हुई थी, 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी, और इसके घर वाले ने, इसकी सासू ने और इसके जेठ और जिठानी ने इसको ज़बरदस्ती पॉइजन दे दिया। तो डिमांड की थी सर पैसों की, ऐसा वो बताते थे अपनी कंप्लेंट में, उन्होंने ऐसा जिक्र किया। कितने पैसे की डिमांड बताई थी उन्होंने? एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, उन्होंने पहले ही बताया, पहले भी उन्होंने पैसे दिए थे। ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, भाई इन्होंने बार बार ये डिमांड दहेज से संबंधित उन्होंने कुछ ऐसा लिखा। क्या मामला दर्ज किया सर? ये 304B 34 IBC गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी हो उसके इनके लड़की के घर वाले को हस्बैंड को बिठा रखा, गिरफ्तार अभी किया नहीं है। इसके लिए संस्कार के बाद पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर मृतक सरोज के ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन परेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।